गुड मॉर्निंग इंडिया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रविवार सुबह 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 उठने के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली तिवारी। गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूँ कादम्बिनी शर्मा और बहुत ही खास मेहमान के साथ आज हम हाजिर हैं आपके लिए इस शो पर। आपने इतनी फरमाइश की तो आपके लिए आज हाजिर है रजत टोकस। धर्मवीर में आप उन्हें देख सकते हैं, आप देखते चले आ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान में भी आपने उन्हें देखा, आज उनसे खास बातचीत। सीधे वडोदरा से इस वक्त रजत टोकस हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग उनको भी और शुक्रिया उनका कि आज वो गुड मॉर्निंग इंडिया में शामिल हुए। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आज दो बहुत ही खास मेहमान रजत टोकस और उषा उत्तव। हम आपको बता दें कि रजत टोकस के लिए इतने सारे एसएमएस और ईमेल आपके पहले से ही आ चुके हैं। ये देखिए 5-6 कागज़ जो मेरे साथ हाथ में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये तमाम एसएमएस और ईमेल सिर्फ रजत टोकस के लिए हैं और उनके लिए आप तमाम संदेश हम तक पहुँचा सकते हैं। हमें एसएमएस कीजिए 5-6-3-8-8 पर। अगर यूएई में है तो 6-3-8-8 पर आप एसएमएस कर सकते हैं रजत टोकस के लिए, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं gmi@ndtv.com पर। और वो साथ होंगे हमारे, उनसे हम आपके एसएमएस के बारे में, आपके सवाल सब कुछ बताएंगे। और तमाम जो एसएमएस अब तक पहुंच चुके हैं, ये तो 5 पन्ने हैं मेरे हाथ में, उन्हें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दीजिए भी अपने संदेश अब तक भेजने के लिए। और एक और फरमाइश और एक संदेश हम तक पहुंचा है, मैं रजत टोकस का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, क्या मुझे उनका ईमेल आईडी आप पहुंचा सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर ही दे दीजिए जिससे मैं उनसे बात कर सकूं। धवल हैं जो दिख रहे हैं। जी हाँ, और बहुत सारे एसएमएस हैं जैसे आपको हमने बताया। और एक और हम ले लेते हैं, धर्मवीर बहुत अच्छा कार्यक्रम है और रजत टोकस का काम वाकई बहुत बढ़िया है, मैं रजत से मिलना चाहती हूँ, रेणु लिखती। तो धवल जी, रेणु जी, आपको बता दें कि आपके एसएमएस और ईमेल्स की वजह से आज हमारे साथ खास रजत टोकस वडोदरा से मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत अब से कुछ ही देर में लेते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया में इस वक्त रजत टोकस हमारे साथ मौजूद हैं सीधे वडोदरा से। उनके लिए इतने सारे एसएमएस और ईमेल्स आए, सब यही चाहते थे कि उनसे मुलाकात वो कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। तो खास आपके लिए, आपकी फरमाइश पर आज रजत टोकस सीधे वडोदरा से। गुड मॉर्निंग रजत। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रितु इलाहाबाद से आपसे पूछना चाह रही हैं कि रजत, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम्स कैसे रहे? अच्छे ही गए। वेल, आप सोच सकते हैं कि जो लड़का साल भर स्कूल नहीं गया, शूट कर रहा है, अपना करियर बना रहा है, देन सडनली वो एग्जाम्स के लिए जाता है, तो मैं पास हो जाऊंगा इतना मुझे पता है। तो जस्ट मेरे को पास होना है बिकॉज लोग पढ़ते हैं करियर बनाने के लिए, मैं ऑलरेडी करियर बन रहा है, तो जस्ट मेरे को एक बेसिक एजुकेशन करनी है अपनी कम्प्लीट, तो वो बस कम्प्लीट कर रहा हूँ। इतने सारे एसएमएस, इतने सारे ईमेल्स आपके लिए हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ले रहे हैं क्योंकि हम इतनों का जिक्र नहीं कर सकते हैं कादम्बिनी। जी हाँ बिल्कुल। और रजत, आपके लिए इतने फैंस हैं और ईमेल्स भी आपके लिए बहुत सारे आए हैं रूपाली, कई ईमेल्स हमने आज सुबह सुबह देखे हैं। बिल्कुल, और उनका एक प्रिंट आउट हमने ले लिया है, 6-7 पन्ने हैं मेरे हाथ में, लेना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि रजत को अगर आप कभी टेलीफोन करेंगे तो उनका एक रिंग टोन है और रिंग टोन में कहा जाता है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। पापा ने लगा था कुछ हिम्मत हो गई। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और इस डॉन को, रजत टोकस को हमने पकड़ ही लिया, आखिरकार पकड़ लिया। कितना इंतजार कराया आपने हमें? एक सेकंड, आपसे पहले मैं पापा से बोल रहा हूँ, पापा अगर आप देख रहे हो ना, प्लीज अभी चेंज करो ये रिंगटोन। तो ये आपने नहीं लगाया है? नहीं, एक्चुअली मैं फोन पे बहुत कम बात करता हूँ, फोन भी बहुत छोटे मोटे रखता हूँ, मेरी आदत नहीं है बड़े बड़े फोन रखने की, हेलो हाय दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप फोन नहीं रखते हैं, आप फोन को आंसर नहीं करते, आप ईमेल्स को भी रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि दर्शक हमें लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या रजत अपना ईमेल चेक नहीं करते? ईमेल चेक करता हूँ, पर एक
एक कुछ लोगों ने एक ट्रेंड चालू कर दिया है, लोग मेरे नाम पर लोगों से उल्टी सीधी बातें करते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो वो मुझे काफी बुरा लगता है। तो अगर उसमें आप सही बोलते हैं तो और कोई अगर आपको बोल दे कि नहीं रजत आपने मुझे ये कहा था, आपने मुझे वो कहा था, तो किसी से बुरा नहीं बनना है मुझे इस। और वैसे भी मेरा लैपटॉप खराब हो गया, 5 महीने हो गए, तो मैं अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं चेक करता हूँ अपने जितने भी लेटर्स आते हैं, जितने भी ईमेल्स आते हैं, सबको थैंक्स बोलता हूँ क्योंकि सब लोग इतना प्यार करते हैं। तो उन लोगों से दूर भागने से मैं अच्छा नहीं बन जाऊँगा, जितना लोग के पास आऊँगा, जितना उन लोगों से बात करूँगा, अपने फैंस से बात करूँगा, तो मेरे लिए अच्छा है। आपके लिए अच्छा, आप मान लीजिए कि आप डॉन हैं, बस आप हैं डॉन। अब सेंसेशन है, रेज है, क्या कहें, आप डॉन हैं बस। आपका रिंगटोन बिल्कुल सही है। और ईमेल जो मेरे हाथ में है उनका जिक्र करना चाहेंगे। हाय रजत, मैं मनशा मलिक हूँ दिल्ली से, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। मेरी छोटी बहन तो आपकी दीवानी है। यू आर अ वेरी गुड एक्टर, आई लाइक योर स्टाइल। मैं आपका हर इंटरव्यू पढ़ती हूँ, हर इंटरव्यू देखती हूँ, और धर्मवीर सीरियल का जिसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं उसका हर रिपीट शो भी मैं देखती हूँ। और बाद में उन्होंने लिखा है, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू GMI और गुड मॉर्निंग इंडिया एंड NDTV कि प्लीज़ प्लीज़ इतनी लंबी है कि बस खत्म ही नहीं हो रही, प्लीज़ मेरा मेल ज़रूर पढ़ दीजिए, प्लीज़ मेरा SMS ज़रूर पढ़ दीजिए, और प्लीज़ रजत को बता दीजिए मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। रजत, मनशा से कुछ कह दीजिए अब आप।